नमस्कार बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय थ्री। कक्षा 6 का ये कंसेप्ट है जिसमें हम सभी डिविजिबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं। हमें देखना है डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय थ्री। तो आइए देखते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। मान लीजिए हमें कोई भी एक नंबर दिया है 273। हमें देखना है कि ये 3 के टेबल में आता है या नहीं आता है। बच्चों, इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट बहुत आसान है, आप बस ध्यान से सुनना जो मैं आपको समझा रहा हूँ। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर निकालेंगे सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स का मतलब है तीनों को प्लस कर दो, 2 + 7 + 3, 2 + 7 + 3, 2 और 7 9, 9 और 3 हो गया है 12। तो बच्चों याद रखना, ये जो तीनों डिजिट्स को प्लस करके नंबर आया, हमने देखना क्या ये 3 के पहाड़े में आता है या नहीं आता है। 12 3 के पहाड़े में आता है, यस। अगर ये 12 3 के पहाड़े में आएगा, इसका मतलब ये नंबर भी 3 के पहाड़े में आता है, यानी ये नंबर 3 से डिविजिबल है। इसे कहते हैं 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से देख लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 2 6 9 5 4। हमें देखना है कि क्या यह 3 से डिविजिबल है या नहीं है। हम क्या करेंगे, डिजिट्स का सम कर देंगे। देखो, 2 + 6 8, 8 + 9 17, 17 + 5 22, 22 और 4 26। दोबारा देख लो, दो, इसको कहते हैं सम ऑफ डिजिट्स। दो प्लस छः आठ, 8 + 9 17, 17 + 5 22, 22 और 4 26। अब आप मुझे बताओ, क्या 26 3 के पहाड़े में आता है। 3 एकम 3 दूनी 6 3 9 4 12 5 15, 3 6 18 3 7 21, 3 8 24 3 9 27, 26 3 के पहाड़े में नहीं आता। इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है, ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है। आइए हम एक और नंबर देखते हैं। मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया है 6 2 4 3 6। अब हमें देखना है कि क्या ये 3 के टेबल में आता है या नहीं आता है। तो हम क्या, ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है, हम डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 3 कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे। छः प्लस दो आठ, 8 + 4 12, 12 + 3 15, 15 और 6 21। तो सम ऑफ डिजिट्स आया 21। हम देखेंगे क्या यह 21 3 के पहाड़े में आता है। हाँ, 3 7 21। अगर सम आता है 3 के पहाड़े में तो यह नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, पूरा नंबर। अगर यह सम 3 के टेबल में नहीं आया तो यह पूरा नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। यह बहुत आसान डिविजिबिलिटी टेस्ट है। आशा करता हूँ ये वीडियो देखने से आपको 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट समझ आया होगा। एक और उदाहरण देख लीजिए ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया है 1 5 4 8। अब आप बताओ क्या यह 3 के टेबल में आएगा या नहीं आएगा। हम क्या करेंगे, सम निकालेंगे। सम होगा 1 + 5 + 4 + 8, 1 और 5 6, 6 और 4 10, 10 और 8 18। तो सम कितना आया, 18। क्या 18 3 के पहाड़े में आता है, आता है। इसका मतलब 1 5 4 8 3 से डिविजिबल है। अगर ये सम 3 के टेबल में नहीं आता होता तो हम कहते हैं ये भी 3 के डिविजिबल 3 से डिविजिबल नहीं है। अभी लेकिन क्योंकि 18 आ रहा है 3 के पहाड़े में, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। आशा करता हूँ ये 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको अच्छे से समझ आया होगा। यदि समझ आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।